नमस्कार। एबे तो बर्षा दिने विभिन्न प्रकार जिनिष सब मिलिबा आरंभ हो गलाने। एही समय रे झुंपुरी बा झुंपुड़ी मध्य मिलिथाय, जहाँको ओडिसार उत्तरांचल रे फुटुकुड़ी बा फुटुबुड़ी बोली कहा जाए। एटा देखंतु से झुंपुरी आगकाल रे लोकमाने यार बहुल व्यवहार करथिले, एटा सहजरे मध्य मिलि जाउतला, किंतु आजिकालि एटा एते सहजरे मिलुनी, तेणु अधिकांश लोक या विषय रे मध्य जानि पारु नाहांती। मुँ या पूर्वर आपण झुंपुरी रे पोस्त एवं राई तैयारी करके देखी, आज झुंपुरी पत्रपोड़ा तैयारी करके देखेबी। से देखते मुझे किसी झुंपुरी शाग को नहींजे, प्रथम या भल भाव सफा करेसी किसी सफा करने को पड़न था, पूराटा व्यवहार कराए, केवल यार डेप को छड़ी या भल भाव धोई नवा। पत्रपोड़ा करने मुझे गोटे आलु एवं टमाटो को भल भाव धोईकी का ता सहित एबे मु गोटे कप झुंपुरी शाग को दे दोउची। तापरे आमे राई बा पत्रपोड़ा पाई जेमिति सोरिष को बाटी थाउ, ठीक से भली सोरिष जीरा कंचा लंका रसुण को बाटी नेबे। तापरे नेथिबा जिनिष को देखिकी लुण एवं हलदी को दे दबा। शेषरे एथिरे कंचा सोरिष तेल को दे दबा। बस आउ किछु दबा को हबनी। बर्तमान नहीं सब जिनस को पूरा भल भाव मिसई नवा। आपण मैंने चाहिए ये पिज को छोट छोट काटिकारे। देखो मुझे पत्रपोड़ा करने किसी शापतर को नहीं चाहिए कदमी पत्र नहीं पारे। तापर से पत्र जो झुंपुरी आलु टमाटो को गोल कि रखीलु ताकूद मुझे शापतर दोना भाया करमी पोड़ा को सुविधा हाँ। तापर पुणी आउ थे दुई रु तीन टी शापतर दोना या उपर घोड़े नहींजी। बर्तमान गोटे मटीर जगह को गरम कर देकि से पत्रपोड़ा करने रखिद। आपण मैंने चाहिए या सूतार बांधिदेवे, ना जेहेतु आम दुई रु तीन टी दोना दे कि व्यवहार करमी कि पड़े और अल्प परिमाण करा आराम गोटे पट होल्टे आर पट पूरा भल भाव चूलीर आंच को पूरा अल्प रखी पोड़े। सेमती हेले आमर पत्रपोड़ा पूरा भल हम दुईपाख पूरा भल भाव पोड़ी गला चूली को बंद करदे। तापर से भाव कि समय रखिदे। बर्तमान देखते मुझे आपको काढ़ की देखा पत्रपोड़ा आमर केमी ए पूरा पा सुखी जा बेस नाली नाली। जेहेतु मो पाखे मटीर जगह थी से मटी जगह पोड़ी। आपण मैंने घरे तावा कड़े करें साधारण पत्रपोड़ा चूली कराए, किंतु एबे आमे जेहेतु गैस व्यवहार करुचु आपण मैंने थरे ए माटी जगार शालपत्र कदमी पत्र पोड़ी देखिए आपण मानक यार स्वाद बहुत बढ़िया लगे। बर्तमान देखो आमर झुंपुरी पत्रपोड़ा या झुंपुरी जिते भी सब जिन या पत्रपोड़ाटा खावाक बहुत स्वादिया लगी।